भिवंडी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए जरूर। पे बोलते हुए सभागृह के सभी सदस्य ने एग्रीकल्चर के बारे में बात की, खास तौर से सुनील केदार जी ने एग्री इकोनॉमी के बारे में बात की, किस तरह से आप ग्रामीण में नीचे स्तर से इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपका सिर्फ 3 से 4 मिनट लूंगा, लेकिन किसानों के बाद जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल की है, वो बुनकरों की है। अध्यक्ष महोदय, इस महाराष्ट्र को 1857 के गदर के बाद, पहली आजादी की लड़ाई के बाद, उत्तर प्रदेश के लोगों ने आकर इस महाराष्ट्र की मिट्टी को अपना प्रदेश बनाया। वहां से उस लड़ाई में जिन बुनकरों ने साथ दिया था, जो रेशमी रुमाल बनाया था, जो लगाकर लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे कि वो क्रांतिकारी है, वो देश के लिए लड़ते हैं, उन बुनकरों को झाड़ पे उल्टा लटका के फांसी देकर अंग्रेजों ने परेशान किया था, तब वो महाराष्ट्र आए थे। वो लोग पहले मालेगांव आए, उसके बाद भिवंडी और मदनपुरा आए। उन बुनकरों ने महाराष्ट्र के अंदर इस इंडस्ट्री को बढ़ाया। लेकिन आज जो ये सरकार है, या कोई भी सरकार, बुनकरों के हित के बारे में बात नहीं करती। उस जमाने में देश को एक लाल रेशमी रुमाल करके तहरीक देने वाले लोग, आज वो बुनकर भूखे मर रहे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव में देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी अमरावती को एक टेक्सटाइल इंटीग्रेटेड पार्क दे रहे हैं, यानी कि आप जो है स्पिनिंग से लेके अपैरल बना सकते हो। लेकिन वो इलाके जैसे भिवंडी, जिसको मैनचेस्टर बोला जाता था हिंदुस्तान का, या मालेगांव, या शोलापुर, या इचलकरंजी, वहां पे सरकार का कोई ध्यान नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये 14 साल है जब मैं टेक्सटाइल के ऊपर बोल रहा हूं, लेकिन सरकार चाहे महाविकास अघाड़ी की हो, सरकार चाहे आज ये खिचड़ी सरकार भी हो, किसी का भी ध्यान टेक्सटाइल पे नहीं है। आज हम खिचड़ी सरकार है। अध्यक्ष महोदय, अभी इस पे नहीं जाते, बुनकरों के सवाल पे सुनिए, आप राजकरण मत कीजिए, बुनकरों के सवालों पे सुनिए। अध्यक्ष महोदय, टेक्सटाइल पॉलिसी ये सरकार ने अनाउंस की, लेकिन टेक्सटाइल पॉलिसी के नाम से आज हमारी सब्सिडी विड्रॉ करने का काम ये सरकार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बताइए, टेक्सटाइल पॉलिसी बनाते वक्त बुनकरों का जो एक मिनट हरकत है, केदार साहब जी बोलिए, सुनील जी बोलिए, क्या हरकत है? सन्मान्य आमदार महोदय रसी जी, आप हमारे बहुत करीब के दोस्त हो, अजीत दोस्त हो, आप हमारे, आप बहुत जानकारी रखते हो, आप अपन एक अभ्यासू त्या ठिकाने सन्मान्य आमदार आहा आणि आपलं बोलणं प्रभावी आहे, मान्यच आहे, पण माझी आपल्या रेडिओच विनंती की आपण आपल्या भावना व्यक्त करा, पण कृपा करून महाविकास आघाडीच्या सरकारनं टेक्सटाईल काही केलं नाही हे आपण जे म्हणता, माझी विनंती आपल्यालाच आहे की माझी विनंती आपल्याला की ह्या महाविकास आघाडीचा 2.5 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये जवळजवळ 1.5-2 वर्षे कोरोनामध्ये गेलं, उर्वरित काळामध्ये पण त्या कोरोनाच्या काळामध्ये सुद्धा सन्मान्य सभापती इथे बसलेले आहे, कापूस टेक्सटाईल संबंध कापसासोबत आहे, आणि त्यावेळेस कापूस खरेदीची भूमिका त्यावेळेच्या सरकारनं कोविड असतानाही स्वतःची जिम्मेदारी समजली, मुझे खुशी है सुनील केदार जी ने खुलासा किया। लेकिन सुनील केदार जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, जब फिर एक बार महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी तो आपसे हक से मांगकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए और ज्यादा सुविधा हम लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा 2 मिनटों में मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है पूरी तरह से पावर के ऊपर डिपेंडेंट है, और पावर के ऊपर डिपेंडेंट होने की वजह से अगर आप हमारी सब्सिडी ले लेते हो तो ये पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज भिवंडी जैसे शहर के अंदर टोरेंट पावर कंपनी जो आई है वो आज हमारे छोटे छोटे पावर लूम्स को बंद करती है। अध्यक्ष महोदय, सब्सिडी 27 HP के ऊपर है, लेकिन अगर एक यूनिट भी अगर वो गरीब एक्स्ट्रा कंज्यूम करता है तो ताला लगाने टोरेंट पावर कंपनी आ जाती है। मेरा एक सवाल है सरकार से कि सरकार प्राइवेटाइजेशन सिर्फ भिवंडी में क्यों करती है, मालेगांव में क्यों करती है, मुमरा में क्यों करती है, नागपुर में क्यों नहीं करती? अध्यक्ष महोदय, ये तीनों माइनॉरिटी के शहर है, यहां पे सरकार गरीबों को पुलिस का डंडा दिखा सकती है, इसके लिए प्राइवेटाइजेशन कर रही है। लेकिन आज टोरेंट पावर कंपनी ने एक पूरी इंडस्ट्री
जो पावरलूम इंडस्ट्री उसको खत्म कर दिया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय मैं पावर पे विस्तारित बोलूंगा, लेकिन आज आपके माध्यम से सिर्फ दो सवाल इस सरकार से करता हूं कि आपका आपकी सरकार आके एक साल हो गई, आपने टेक्सटाइल के लिए क्या किया? आज आपसे कहूं, एक मेरा दोस्त है जलगांव से, वो भिवंडी आया और 100 करोड़ की एक अच्छी कंपनी एस्टैब्लिश की उसने, पावर लूम में एक बड़ा अच्छा व्यवसाय उसने डेवलप किया। मैं उस भाई से बात कर रहा था, वो कह रहा है मैं सूरत शिफ्ट कर रहा हूं। क्या ये सरकार टेक्सटाइल पॉलिसी को इसलिए डिले कर रही है कि हमारी इंडस्ट्री सूरत चले जाए? क्या ये सरकार इसीलिए बुलेट ट्रेन बना रही है कि यहां पर बैठकर व्यवसाय जो है पूरे सूरत में चले जाए? सरकार को ये जानना होगा, ये जागना होगा इस सरकार को कि इंडस्ट्री के बाद इंडस्ट्री जो है वो सूरत जा रही है। गुलाब राव जी मैं सत्य बता रहा हूं, आप भिवंडी आइए, जीएसटी के अंदर रिफॉर्म गुजरात में हो रहा है, टेक्सटाइल के अंदर जितना रिफॉर्म सूरत में हो रहा है। मैंने तो यहां चैलेंज किया कि अगर हमको हाथ पकड़ के आप साथ दोगे ना, हम चाइना को पीछे कर देंगे, लेकिन आज ये सरकार हमको सूरत और गुजरात के सामने झुकने लगा रही है। रोकिए इसको, पावरलूम इंडस्ट्री चले जाएगी और फिर कोई भी नौजवान भिवंडी, मालेगांव और इचलकरंजी से खड़े होकर व्यवसाय नहीं करेगा, वो वहां पर जाके सूरत में दूसरों के लिए काम करेगा, मराठी मानुस वहां चले जाएगा। सर मैं बड़े दर्द के साथ बोल रहा हूं,